यूपी सरकार की महिला कल्याण बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज अपने एक दिवसीय दौरे पर मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं महिला ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व पुलिस कर्मचारियों से संवाद स्थापित किया। विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न योजनाओं के स्टॉलों का अवलोकन किया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व 6 माह आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का अन्नप्राशन भी किया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अति कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली वितरित की, साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत बच्चों को लैपटॉप वितरित किया। आपको बता दें कि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मैनपुरी में बने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खमियों को जल्द पूरा करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने जनपद के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए, पहले तो आज हम लोग नवरात्र कमल पर आए हैं मैनपुरी में, और हमें यहाँ पर नारी शक्ति मिशन के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात हुई है। आंगनबाड़ी बहनों से बात हुई है और सभी लोगों ने आज शपथ भी ले ली है कि हम बस मैनपुरी में हर आंगनबाड़ी केंद्र रोज खोलेंगे। वन स्टॉप सेंटर में भी सही था, कुछ फोन नंबर मिलती नहीं थे तो कर लेंगे, ऐसी कोई नहीं, बाकी उनके सब है, जरूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं था। निरीक्षण के दौरान आपको कई कमियां अंदर देखने मिली हैं? रजिस्टर मेंटेनेंस में कमियां हैं तो उनको सुधारने के लिए निर्देश दे दिए गए कि आप फोन नंबर पर डालिए, जिसमें जो बच्ची जा रही है उसका फोन नंबर एंट्री हो रही है, उसमें विपक्षी पार्टी लोग कह रहे हैं महिला अपराध बढ़ता जा रहा है, इनको कोई न्याय नहीं दे रही हमारी सरकार। देखिए, फिर इस बात पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो समाज का भी कहीं दायित्व, हमने इसीलिए आज कहा कि उत्तम चरित्र हमारा जीवन में बहुत उपयोगी है, उत्तम चरित्र की शिक्षा बहुत जरूरी है। बेटों को भी और बेटियों को भी चरित्र की शिक्षा नहीं देंगे तो समाज में इसी तरह का निर्माण होता रहेगा, कहीं ना कहीं घटनाएं होंगी। जिन बच्चों को रोज डांटा जाता है, मारा जाता है, किसी की कभी उनकी तारीफ नहीं की जाती, ऐसे बच्चे समाज में गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और वो अपनी हताशा निकालते हैं ऐसी घटनाओं का अंजाम देता है। मैडम, लगातार जिला अस्पताल में जब भी कोई मंत्री या नेता आते हैं निरीक्षण करने के लिए तो लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुधरी हुई नजर आती हैं, लेकिन जाने के बाद वो व्यवस्थाएं फिर वैसी की वैसी नजर आती हैं। अभी तो सीएमओ का बता सकते हैं, कई बार सीएमओ सीएमएस से भी शिकायत की गई। जांच के बाद विभागीय मंत्री आए होंगे, पाठक जी आए होंगे, देखते हैं कि हम तो अभी अपने वन स्टॉप